जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल दिनांक 18 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशिफल के अनुसार आज शुभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से आज 12 में से 7 राशि वालों को कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग हैं। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों आज माघ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, गुरुवार का दिन है और आज दिन की शुरुआत भरणी नक्षत्र से होगी और मेष राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज राहु काल रहेगा, दिन के 1:59 से आरंभ होकर के तो 3:24 तक राहु काल रहेगा। तो राहु काल के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ आप नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से बचें। और आज दिशाशूल रहेगा दक्षिण दिशा में, तो आज के दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। दक्षिण दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके अथवा इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा, दिन के 12:12 से आरंभ होकर के तो 12:57 तक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय अवधि में आप किसी भी शुभ मांगलिक व नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन मेष राशि वालों का परोपकार में व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके पक्ष में कुछ परिवर्तन होंगे, इससे कुछ साथियों का मूड थोड़ा खराब भी हो सकता है, लेकिन आज आप अपने अच्छे व्यवहार और माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब भी रहेंगे। रात्रि में पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ परेशानी आपको हो सकती है, तनाव हो सकता है, अतः उनके स्वास्थ्य का आज विशेष ध्यान रखें। तो आज आपको भाग्य का साथ 60% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपको वार के अनुसार भगवान विष्णु जी के नाम मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, ओम श्री विष्णुवे नमः। तो ऐसा करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन परिवारजनों के साथ सुखद व्यतीत कर पाएंगे। भाग्यवश दोपहर तक हर्षवर्धक समाचार भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है और सायंकाल के समय चिर प्रतीक्षित अतिथि के आगमन से आपका हर्ष होगा। रात्रि में किसी शुभ मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। हरे रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के इस महामंत्र का यथाशक्ति प्रातःकाल जाप करना चाहिए, ओम बृहस्पतये नमः। तो ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज माता पिता के आशीर्वाद तथा उच्च अधिकारियों की कृपा से किसी बहुमूल्य वस्तु अथवा संपत्ति की प्राप्ति के योग हैं। व्यस्तता आपकी अधिक रहेगी, व्यर्थ खर्च करने से आपको बचना चाहिए। सायंकाल से लेकर रात्रि पर्यंत शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतें। प्रिय एवं महान पुरुषों के दर्शन से आपका मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ेगा। पत्नी पक्ष से भी वांछित सिद्धि आपको मिलेगी, समर्थन मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्य क्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के समक्ष पीला पुष्प अर्पित करके ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कर्क।
कर्क राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज अचानक ही बड़ी मात्रा में धन प्राप्ति और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। व्यावसायिक योजनाओं को गति मिलेगी। राज्य मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शीघ्रता व भावुकता में लिया गया निर्णय आगे चल करके पश्चाताप का कारण बन सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ करके लें। सायंकाल से देर रात्रि तक देव दर्शन का लाभ अवश्य लें तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। नीले रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपको भगवान विष्णु जी के समक्ष प्रातःकाल पीला पुष्प और केसर अर्पित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त कर पाएंगे। संतान के प्रति दायित्व की पूर्ति भी आप कर पाएंगे। प्रति स्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। रुका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा। पाचन क्रिया मंद तथा नेत्र विकार की संभावना रहेगी। खान पान पर संयम बरतें। सायंकाल से लेकर रात्रि अंत तक प्रियजनों के दर्शन व हास्य परिहास में आपका समय व्यतीत होगा। आज विशेष करके खान पान पर ध्यान दें तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। गुलाबी रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में पीला फल अर्पित करें और क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। तो ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज कर्मोद्योग में तत्परता से आपको लाभ मिलेगा। आलस्य का त्याग आपको करना चाहिए। स्वजनों से सुख व पारिवारिक मंगल कार्यों से खुशी आपकी बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में मन आपका लगेगा। विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अपने क्रोध पर काबू अवश्य रखें। घर गृहस्थी की समस्या आपकी सुलझ जाएगी। राजकीय मदद मिलने के योग हैं। सूर्यास्त के समय अचानक लाभ के योग बन रहे हैं तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु जी का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। पीला फल अर्पित करें। चने की दाल अर्पित करें और ओम श्री विष्णुवे नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज शिक्षा व प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्ति के योग हैं। आय के नए नए स्रोत आपके लिए निर्मित होंगे। वाक पटुता आपको विशेष सम्मान प्राप्त करवाएगी। भागदौड़ विशेष रहने से मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व फायदेमंद साबित होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात केसर मिले हुए दूध से भगवान श्री राधा कृष्ण जी को स्नान करावें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से काफ़ी मजबूत होगा। धन सम्मान व कीर्ति में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य आपका सिद्ध होगा। प्रिय जनों से भेंट होगी। आज वाणी पर संयम नहीं रखने से विपरीत परिस्थितियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और शाम के समय प्रियजनों से भेंट होने से मन आपका संतुष्ट रहेगा। इसके अलावा रात्रि में सैर सपाटे और मौज मस्ती का अवसर भी आपको मिलेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 70% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज
आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात पीपल के वृक्ष के पास आटे का दिया जलावें और ओम बृहस्पतये नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें तो ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज ग्रह उपयोगी वस्तुओं पर धन खर्च अधिक हो सकता है। सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि के योग हैं और अधीनस्थ कर्मचारी या किसी संबंधी के कारण तनाव आपका बढ़ सकता है। आज के दिन आपको लेन देन में सावधानी बरतना चाहिए, धन आपका कहीं अटक सकता है। दिन में राज्य कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं, हालांकि इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी और लोग आपको परेशान करने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन आज आपके विरुद्ध षड्यंत्र जो भी होंगे विफल हो जाएंगे। तो आज आपको भाग्य का साथ 65% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 1 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। पीले रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी की श्रद्धापूर्वक पूजन करें। पीले वस्त्र में चने की दाल और पीला फल अर्पित करके ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज व्यावसायिक क्षेत्र में मन के अनुकूल लाभ होने का योग बनेगा। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा काफी मजबूत होगी। व्यवसाय परिवर्तन की योजना बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और पारिवारिक उत्तरदायित्व तो पूर्ण होंगे। सायंकाल में धार्मिक स्थलों की यात्रा का प्रसंग प्रबल होकर के स्थगित भी हो सकता है। आज के दिन वाहन का प्रयोग सावधानी से आपको करना चाहिए। वाहन अकस्मात खराब होने की का कारण आपका खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पीली मिठाई का भोग अर्पित करके ओम श्री विष्णुवे नमः इस महामंत्र का शक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज पत्नी को अकस्मात शारीरिक कष्ट होने से भागदौड़ व खर्च की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी संपत्ति के क्रय विक्रय के समय उसके पूर्व संपत्ति के सारे वैधानिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार अवश्य करें। सायंकाल के समय पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, हालांकि अभी पूर्ण स्वस्थ होने में समय भी लग सकता है। और आज आपको आर्थिक लाभ के भी प्रबल योग बनेंगे। दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका सफेद रंग है। सफेद रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में केसरिया ध्वजा का दान करें। पीली मिठाई, पीला पुष्प अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका आनंदमय व्यतीत होगा। आज पास व दूर की सकारणी यात्रा आपके द्वारा हो सकती है। यात्रा से आपको लाभ के योग बनेंगे। बिजनेस में बढ़ती प्रोग्रेस से आपको काफी खुशी मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को मानसिक बौद्धिक भार से छुटकारा मिलेगा। सायंकाल के समय घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। आपका दिमाग भी रिलैक्स होगा। माता पिता की सलाह व आशीर्वाद बहु उपयोगी सिद्ध होगी। तो आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका आसमानी रंग है। आसमानी रंग का प्रयोग कार्यक्षेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर में पीली मिठाई और पीले फल का भोग अर्पित करके ओम अच्युताय नमः इस महामंत्र का यथाशक्ति जाप करें तो ऐसा करने से कार्यक्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।